और बहुत बड़ी खबर आपको दे दें, पेपर लीक के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार किया है। क्या वो प्लान है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, एक भर्ती परीक्षा करने के लिए चार एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी अब होगी। कोई एक एजेंसी नहीं करवाएगी पेपर, परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा, मतलब अपने शहर के बाहर। लेकिन बड़ी बात यह कि महिलाओं के ऊपर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा, महिला अभ्यर्थी है तो अपने शहर में पेपर दे सकती है। इसके अलावा 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर परीक्षा 2 चरणों में कराई जाएगी। रिजल्ट में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में OMR शीट की स्कैनिंग कराई जानी है। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बना दी गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया के अमित सिंह फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अमित, यह अच्छी पहल है, देश भर में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर एक्शन और तुरंत कोई कार्रवाई करके नियम बनाना उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है। अमित जी, हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ही लोकसभा चुनाव का आचार संहिता खत्म हुआ उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और उन्होंने सबसे पहले पेपर लीक मामले पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरीके से सिपाही भर्ती मामले में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से फुल प्रूफ इंतजाम करने के लिए लगातार वो बैठकें कर रहे थे और अब जो है एक शासनादेश जारी कर दिया गया है। उसमें क्वेश्चन पेपर में गोपनीय कोड भी होंगे इस तरीके से कहा गया है। यहाँ तक कि जो बोर्ड और अधिकारी परीक्षा कराएंगे वो SPF और पुलिस के लगातार वो संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट किए जाएंगे वहाँ पर किसी भी तरीके का मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होगा, वो CCTV के निगरानी में होगा। जो लोग उसके अंदर जाएंगे उनके पास आई कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा हम अगर बात करें तो OMR शीट में होगी, OMR शीट और जो जहाँ पर कैंप कराए जाएंगे स्टेशन या फिर बस स्टैंड से 10 किलोमीटर के अंदर या शहर के अंदर ही मौजूद जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने मंडल से बाहर यानी और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईडी के वकील दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती अब देने वाली है। ईडी अरविंद केजरीवाल की जमानत को कोर्ट में चुनौती देगी, वकील पहुंच चुके हैं। आपको बताया कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके पर जमानत कल दी गई थी। उम्मीद आज यही की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर जेल के आ जाएंगे, लेकिन ईडी की तरफ से अब दिल्ली हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी जाएगी। न्यूज 18 इंडिया के विक्रांत यादव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका हम सीधा रुख कर लेते हैं। विक्रांत, क्या कुछ कह रहा है ईडी का, चुनौती क्यों दी जा रही है? देखिए, कल ईडी को एक बड़ा झटका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला जब अरविंद केजरीवाल को वहां से नियमित जमानत का आदेश जारी किया गया। जज न्याय बिंदु ने ये जमानत का आदेश दिया जिसके खिलाफ ईडी ने कल भी कोशिश की थी कि वो अपने आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगा लें ताकि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। हालांकि जज न्याय बिंदु ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब एक तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना बेल बॉन्ड भरा जाएगा आज। और इसी बीच ईडी के वकील हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर बाद हाईकोर्ट में वैकेशन बेंच बैठेगी और उसके सामने ईडी तुरंत इस मामले को मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग करेगी। ईडी की कोशिश ये है कि किसी भी तरह उनको जेल से बाहर निकलने से पहले वो स्टे लगवा सकें, कोर्ट में अपनी बात कह सकें, लेकिन कोर्ट को कितना सेटिस्फाइड कर पाएंगे इसके लिए अभी कुछ देर इंतजार करना होगा। बिल्कुल, तो दिल्ली की राजनीति में आज गहमा गहमी भरा दिन रहने वाला है। बहुत शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए।